बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम शरिया स्टैंडर्ड नंबर 7 इसको देख रहे हैं और शरिया स्टैंडर्ड नंबर 7 है हवाला के ऊपर द ट्रांसफर। ये शरिया स्टैंडर्ड, इसका स्कोप क्या है, हम उसकी तरफ चलते हैं। दिस स्टैंडर्ड कवर्स हवाला ट्रांजेक्शन दैट इन्वॉल्व्स ए चेंज ऑफ डेटर, यानी ट्रांसफर ऑफ डेट। ये जो स्टैंडर्ड है ये हवाला की उस ट्रांजेक्शन को कवर करता है कि जिसके अंदर डेटर चेंज हो जाता है। डेटर चेंज होने का मतलब होता है कि भी एक आदमी ने पैसे देने थे, अब उसकी जगह पर कोई और आदमी पैसों की अदायगी करेगा, तो इसका मतलब है क्या हो गया, डेटर रिप्लेस हो गया। ए की जगह अब सी देगा, बी की जगह डी देगा, कोई और बंदा देगा, तो चेंज ऑफ डेटर है। द स्कोप ऑफ दिस स्टैंडर्ड डज नॉट कवर बैंकिंग रेमिटेंसेस एक्सेप्ट द रेमिटेंस दैट टेक फॉर्म ऑफ हवाला। वो कहते हैं बैंकों के जो पैसे, एक रेमिटेंस का मतलब होता है कि नॉर्मली जो पैसा आपका बाहर से आता है नॉर्मली, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं रेमिटेंसेस। सऊदी अरब से पैसा आया वो आपके रेमिटेंसेस शुमार होता है नॉर्मली इकोनॉमिक्स की जुबान में, या आप जो फाइनेंशियल की न्यूज सुन रहे होते हैं खबरों में, जी पाकिस्तान के रेमिटेंसेस इतने हैं, उसका मतलब ये होता है कि भी पाकिस्तानी जो दीगर गैर ममालिक के अंदर काम कर रहे हैं और वो अपने घरों को जब पैसे भेजते हैं पाकिस्तान की तरफ, वो पैसा कितना आया उसे, जिस पाकिस्तान के अगर बैलेंस शीट को देखा जाएगा तो उसके अंदर वो किस हेडिंग के तहत आएंगे पैसे, रेमिटेंसेस के नाम से आएंगे। तो वो कहते हैं कि भी सिर्फ और सिर्फ वो रेमिटेंसेस इस शरिया स्टैंडर्ड के तहत कवर होंगे कि जिनको हवाला की सूरत में देखा जा सकता होगा। तो हमारे पास ये बेसिकली जो हवाला शरिया स्टैंडर्ड है, हवाला शरिया स्टैंडर्ड ट्रांसफर की बात करता है। अब ट्रांसफर जो होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है हवाला अतुल हक, जिसमें हम कहते हैं ट्रांसफर ऑफ राइट्स। ट्रांसफर ऑफ राइट्स, इसमें इंसान अपने हुकूक ट्रांसफर करता है, यानी मैंने अगर कोई हक वसूल करना है, अब मैं मिस्टर इम्तियाज साहब को कह देता हूं कि जनाब उमेर साहब से मैंने ये चीज वसूल करनी है, अब मेरी जगह पे आप वसूल कीजिएगा, तो ये ट्रांसफर ऑफ राइट्स है कि मैंने अपना हक के वसूली किसी को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। इसमें कौन रिप्लेस हुआ, इसमें क्रेडिटर रिप्लेस हुआ है, यानी एक बंदा जिसने क्रेडिटर वसूल करना था दाइन, अब उसकी जगह पर एक और दाइन बन गया। समझ आ गई बात, जबकि हवाला तो दैन क्या है, वहां पे है ट्रांसफर ऑफ डेट, वहां पे लाइबिलिटी ट्रांसफर होती है कि भी मैंने इम्तियाज साहब को कुछ देना है, उमेर साहब को कुछ देना है, अब मेरी जगह पे इम्तियाज साहब अदायगी करेंगे। यहां पर डेटर रिप्लेस हो रहा है, यहां पर क्या रिप्लेस हो रहा है, डेटर मकरूज रिप्लेस हो रहा है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन हवालतुल हक और हवालतुल दैन, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ राइट्स और ट्रांसफर ऑफ डेट, तो जो शरिया स्टैंडर्ड है जिसको कवर कर रहा है शरिया स्टैंडर्ड नंबर 7, ये हवालतुल दैन से मुतालिक है, हवालतुल हुकूक से मुतालिक नहीं है। यहां पर ये हवालतुल दैन के बारे में बात की गई है। अभी जरा हम देखते हैं कि जो हवाला की डेफिनेशन है उन्होंने क्या की है। कहते हैं कि हवाला ऑफ डेट इज द ट्रांसफर ऑफ डेट फ्रॉम द ट्रांसफरर टू द पेयर। पहले जरा हम ये जरा पार्टीज को देख लें कि पार्टीज क्या है, फिर हम इस डेफिनेशन को दोबारा पढ़ लेते हैं। देखें, एक है मिस्टर ए, ये जरा इसको देखिएगा स्क्रीन को, कि एक है मिस्टर ए, मिस्टर ए के बारे में कहा जा रहा है कि ये प्रिंसिपल क्रेडिटर है, ये असली दाइन है, इसने वसूल करने हैं पैसे। अब इसका कर्जा जो पैदा हुआ वो मुमकिन है, इस वजह से भी पैदा हुआ, मिस्टर बी ये डेटर है, मकरूज है, ये मदीन है और ये बंदा दाइन है। अब बी के ऊपर जो कर्जा आया मुमकिन है वो उसने डायरेक्ट कर्जा लिया हो, 10,000 रुपए, 20,000 रुपए, व्हाटएवर, ये भी हो सकता है कि उसने कोई चीज बे मुअज्जल के तहत खरीदी हो मिस्टर ए की दुकान से। ए ताजर होगा, उसने कहा होगा यार मुझे चीज आज दे दो, पैसे तुम्हें बाद में दे दूंगा। उस सूरत में भी उसके ऊपर कोई अमाउंट रह गया, वाजिबुल अदा हो गई, तो वो देन बन गया। तो ये दो सूरतें हो सकती हैं। अब हम कहेंगे कि जो मिस्टर ए है ये असली दाइन है, ये असली कर्ज दे लेने वाला है, अपना कर्ज वसूल करने वाला है जिसका हक है, और ये बंदा मकरूज है मिस्टर बी। अब मिस्टर ए कहता है कि बी को कि जनाब आप मेरे पैसे वापस करो,
अब मिस्टर बी के पास पैसे हैं नहीं कि मैं वापस करूं। मिस्टर बी कहता है मिस्टर सी को, मिस्टर सी को कि जनाब ऐसा करो कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, तो मेरी जगह पर ये 10,000 रुपए तुम मिस्टर ए को दे दो। तो मिस्टर सी जो है मिस्टर ए को पैसे दे देता है। इस सिचुएशन को हम कहते हैं हवालतुद्दैन, यानी असली कर्ज किसकी जिम्मेदारी थी? मिस्टर बी की थी। अब देगा कौन? मिस्टर सी। तो यहां पर जो कर्ज की अदायगी थी वो एक बंदे से यानी बी से ट्रांसफर होकर किसकी तरफ आई है? सी की। अब यहां पर कौन बंदा रिप्लेस हुआ? क्रेडिटर रिप्लेस हुआ कि डेटर? डेटर रिप्लेस हुआ। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं ये हवालतुद्दैन है। अब इसके अंदर जो इस्तलाहें इस्तेमाल होती हैं वो ये कि ये जो मिस्टर ए है इसको कहते हैं मुहाल लहू, यानी वो आदमी जिसके लिए हवाला अरेंज किया गया, जिसके लिए हवाला अरेंज, लहू उसके लिए, तो ये मुहाल लहू कहलाता है। और इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रांसफरी, यानी उस बंदे को ट्रांसफर किया गया कि अब तुम इस दरवाजे से नहीं उस दरवाजे से जाकर वसूल करो, उसे ट्रांसफर किया गया, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे की तरफ ट्रांसफर करना, तो इसे कहते हैं ट्रांसफररी, जिस बंदे को ट्रांसफर किया गया। अच्छा, मिस्टर बी जो असली मकरूज है, मदीन है, उसे हम कहते हैं कि ये क्या है? मुहील है, क्योंकि इसी ने तो ट्रांसफर किया है, इसी ने तो हवाला किया है, इसे कहते हैं ट्रांसफरर। इसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ट्रांसफरर। जो तीसरा आदमी है मिस्टर सी, अदायगी करने वाला बंदा है, अदायगी करने वाले को हम कहते हैं मुहाल अलैह, हवाला की इस्तेलाह में, यानी वो बंदा जिसके ऊपर हवाला का बर्डन डाला गया, वो बंदा जिसके ऊपर हवाला का बर्डन, इसी वजह से अलैह, जिसकी तरफ फेरा गया, जिसके ऊपर हवाला फेरा गया। अब चूंकि अदायगी इसने करनी है तो इंग्लिश में इसको कहते हैं पेयर, ये पे करेगा। अगर पेयर की मुनासबत से देखें तो जो मुहाल लहू है मिस्टर ए, इसको हम पेई भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? पेई, जिसे अदा किया जाए। तो हम मुहाल लहू मिस्टर ए को ट्रांसफररी भी कहेंगे, ट्रांसफररी कहेंगे मुहील की निस्बत से, ट्रांसफरर की निस्बत से, यानी ये जो मिस्टर ट्रांसफरर है इसकी निस्बत से कहेंगे तो ये क्या बनेगा? ट्रांसफररी। इसकी निस्बत से अगर कहेंगे पेयर की निस्बत से तो ये क्या बनेगा? पेई बनेगा। तो ये है मुहील, मुहाल अलैह और मुहाल लहू, ये है बुनियादी तौर पर इस्तलाहें जो हवाला के अंदर इस्तेमाल होती हैं। अब जरा हम डेफिनेशन की तरफ वापस चलते हैं। कहते हैं कि हवाला जो क्या है, हवाला ऑफ डेट, कि जो देन का हवाला है वो क्या है? इज द ट्रांसफर ऑफ डेट, कि वो देन को ट्रांसफर कर देता है, कर्ज को, डेट को, फ्रॉम द ट्रांसफरर, जो असली जिसने पैसे देने होते हैं उससे वो डेट ट्रांसफर हो जाता है द पेयर, थर्ड पार्टी की तरफ। द ट्रांसफर ऑफ राइट, अब हवालतुल हुकूक क्या होते हैं? ऑन द अदर हैंड इज रिप्लेसमेंट ऑफ क्रेडिटर विद एन अदर क्रेडिटर। हवालतुल हक में क्रेडिटर चेंज होता है। अब ये देखें ना, हमने कहा था कि यहां पर डेटर बदल रहा है। अब इसी को अगर हम दूसरे मानों में लिख दें, मिस्टर ए ने कहना हो कि जरा मैंने वसूल करने हैं बी से, अब मैं वसूल नहीं करता, मिस्टर ए कह देता है सी को यार तू उससे जाकर वसूल कर ले, तो अब यहां पर वसूल करने वाला बदल रहा है, तो इसको हम कहेंगे कि ये क्रेडिटर रिप्लेस हो रहे हैं, इसे हम कहते हैं हवालतुल हक हम कहेंगे। अगर जी ये नक्शा जो आपके सामने है स्लाइड, ये हवालतुद्दैन की है, लेकिन आप समझ लें कि भी मिस्टर ए ने सी से कहा कि भाई अब बी से जाकर तुम वसूल करो, तो वसूली करने वाला बदलेगा तो ये हवालतुल हक बन जाएगा, और अगर अदायगी करने वाला बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा? हवालतुद्दैन। तो ये बुनियादी फर्क है हवालतुल हक और हवालतुद्दैन के दरमियान। तुमने वसूल करना है। The transfer of right on the other hand is replacement of a creditor with an other creditor. The transfer of debt differs from transfer of right in that in transfer of debt a debtor is replaced by an other debtor, and whereas in transfer of right a creditor is replaced by another creditor. Permissibility of hawala. अब ये है कि हवाला का जवाज कहां से साबित होता है। एक चीज ध्यान में रख लें कि जब भी हम शरिया स्टैंडर्ड हो या हमारे शरी मामलात हो,
हमारे जो फोकहा का तरीका रहा है असलाफ का, वो पहले मामले की जो भी हो उसकी डेफिनेशन करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं कि ये चीज है क्या, उसकी इस्तलाहात को बयान करते हैं, फिर उसके बाद वो आते हैं शरई जवाज की तरफ। हाँ भाई, चूंकि इस्लाम है, इस्लाम के अंदर सबसे पहला प्रॉब्लम ये देखा जाता है कि भाई ये बताएं इसका जवाज कुरान और सुन्नत इजमा क्यास इन उसूल में से कहाँ से साबित है। पहले उसका जवाज साबित करते हैं, फिर जवाज के सबूत के बाद फिर उसकी मजीद तफसीलात की तरफ चलते हैं। ये एक नॉर्मली हमारे शरिया के अंदर, इल्म फिक के अंदर हमारी ये एक रूटीन, इस तरह की एक रिवायत है, उसी रिवायत के तहत चलते हैं। तो परमिसिबिलिटी ऑफ हवाला, वो कहते हैं हवाला इज अ लेजिटिमेट एंड एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट मेड आउट ऑफ द कॉन्टेसी एंड इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब वो कहते हैं ये जो हवाला का अक्द है हमारा, ये एक अलग अक्द है, बाकायदा अक्द है, इंडिपेंडेंट है, जो किसी और पर मुनहसर नहीं होता, और ये बै का अक्द भी नहीं है। अब ये नहीं कह सकते कि भी एक जो मुहिल है, जो ट्रांसफरर है, उसने कहा मिस्टर सी को, बी ने सी से कहा कि तुम मेरे, मिसाल के तौर पर ये हम अपनी स्लाइड पे वापस चलते हैं, बी ने सी से कहा कि अब तुम ए को अदा कर दो, तो अब सी ने ए को अदा कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि मिस्टर बी ने अपना जो डेट है वो सी को बेचा है, समझे। वो कहते हैं ये बै के उकूद में शामिल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम सेल का कौन, इट इज परमिटेड इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट पेमेंट्स एंड रिकवरी, ये सिर्फ और सिर्फ अदायगियों और वसूलियों को फैसिलिटेट करने के लिए ये अक्द तख्लीक किया गया। द एक्सेप्टेंस ऑफ हवाला इज रिकमेंडेड फॉर द ट्रांसफररी। अब वो कहते हैं कि भाई रिकमेंडेड, इस्लाम इनकरेज करता है, शरिया इनकरेज करती है मुहाल लहू को, मिस्टर ए को या क्रेडिटर को, कि अगर मकरूज उसके साथ हवाला का मामला करके उसकी अदायगी करना चाहे तो उसको चाहिए कि उसके उस हवाला को क्या करें, कबूल करें, उसके हवाला को कबूल करें, क्योंकि उसको तो पैसे चाहिए ना भाई, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं। अगर वो आदमी अपने उस कर्ज की अदायगी के लिए हवाला करना चाह रहा है तो तुम तो पैसे वसूल करो अपने, लिहाजा उसके हवाला को क्या करो, कबूल कर लो। द एक्सेप्टेंस ऑफ हवाला इज रिकमेंडेड फॉर द ट्रांसफरी इफ द पोटेंशियल पेयर इज नोन टू बी सॉल्वेंट। यहाँ पे ये देख रहे हैं, सॉल्वेंट का मतलब होता है खुशहाल होना। सॉल्वेंट का क्या मतलब है? खुशहाल होना। अब ये देखें, ये जो मिस्टर सी है भाई, ये इतना खुशहाल आदमी है कि मिस्टर बी के ऊपर जो कर्जा है, जो उसने ए का देना है, इतना खुशहाल है कि ये उतनी अमाउंट ए को दे सकता है। लेकिन अगर सिचुएशन उलट हो, ये बदहाल हो, ये बेचारा पहले ही खुद इतना गुर्बत का मारा हो, तो फिर इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा फिर मिस्टर बी की बदनीयती शामिल है कि वो उसको उस बंदे की तरफ ट्रांसफर कर रहा है ताकि वो उसको और जलील ख्वार करे। तो इस वजह से वो कहते हैं कि फिर अगर मिस्टर ए का हक है कि वो उसको कबूल न करे। ये आगे आएगा बात, ये बिल्कुल आगे आएगी। तो वो कहते हैं कि पोटेंशियल पेयर इज नोन टू बी सॉल्वेंट, वो आदमी जो अदायगी करना चाह रहा है उसे कहते हैं पोटेंशियल पेयर। अभी अदा ना किया हो लेकिन अदायगी करना चाह रहा हो, उसे पोटेंशियल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। पोटेंशियल इज नोन टू बी सॉल्वेंट एंड ए पर्सन हु ऑनर्स पेमेंट, और वो एक ऐसा आदमी है अदायगी करने वाला कि जो क्या कहते हैं कि ऑनर्स करता है पेमेंट को, मतलब वो इंकार नहीं करेगा, वो अदायगी टाइम पर कर देगा। This is because hawala benefits the creditor. ये इसलिए कहा जा रहा है कि वो creditor जो है इसको कबूल करे हवाला को, क्योंकि वो उसको तो फायदा दे रहा है creditor को, क्योंकि उसको तो पैसे मिल रहे हैं ना भाई। And gives relief to the debtor. और जो Mr. B है, जो हवाला करने वाला है, उसको भी relief मिल रहा है, क्योंकि उसने उसका दरवाजा तोड़ा, वो भी मेरे पैसे दे, उसने हवाला करके उसकी अदायगी करवा दी। अब वो भी बेचारा कुछ सुकून से दिन उसके गुजरेंगे, कि अब उससे पैसे डिमांड करने वाला नहीं रहा। If the financial status and credit worthiness of the potential payer are unknown, भाई एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि भी एक तो पता हो कि भी या तो ये खुशहाल है या ये बदहाल है। बदहाल है तो उसके पास राइट है मुहाल लहू के पास, इनकार कर दे, भाई मैं नहीं कहता, वो तो पहले ही उसकी हालत खराब है। अगर खुशहाल है तो शरिया कहती है कबूल करो। और अगर तीसरी सिचुएशन है, भाई कोई पता नहीं है, पता नहीं खुशहाल है कि बदहाल है, कोई पता नहीं, विन विन सिचुएशन है, तो फिर कहते हैं कि भी मुबाह है। फिर अब ये उसकी मर्जी कि चाहे तो कबूल करे और चाहे तो कबूल ना करे। देन हवाला बिकम्स मुबाह, फिर परमिसिबल तो है
अब उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है कि वो क्या फैसला करता है। फॉर्म ऑफ हवाला कॉन्ट्रैक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हवाला कैन बी कंक्लूडेड बाय एन ऑफर फ्रॉम द ट्रांसफररी, सॉरी ट्रांसफरर। वो कहते हैं कि भाई हवाला अब होगा कैसे। देखिए हर एक जो कॉन्ट्रैक्ट है डिफरेंट होते हैं, लेकिन सिंपल उकूद के अंदर जब हम आते हैं तो आनाफ क्या कहते हैं कि अरकान अक्द एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं। आनाफ के नजदीक तो सीगा है ईजाब और कबूल। जैसे ईजाब और कबूल हो जाएगा अक्द मुनकिद हो जाएगा, इन अकाद अक्द की जिसकी हम बात करते हैं। तो इंग्लिश में उसे कहते हैं कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या कहते हैं कि एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन अकाद अक्द, कि जब भी ईजाब के साथ कबूल आएगा कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ई एक्स ई सी यू टी ई एग्जीक्यूट इंग्लिश में लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। पार्टीज हु एग्जीक्यूटेड द कॉन्ट्रैक्ट, वो फरीकैन जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को मुनकिद किया। द पार्टीज हु कंक्लूडेड द कॉन्ट्रैक्ट, कंक्लूड का भी लफ्ज इस्तेमाल होता है, एग्जीक्यूट का भी लफ्ज इस्तेमाल होता है। आप कहते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हवाला कैन बी कंक्लूडेड बाय एन ऑफर फ्रॉम द ट्रांसफरर। मुहिर क्या करता है, ऑफर करता है, एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ट्रांसफररी, जो मुहाल लहू है, जो मुहाल लहू है वो क्या करेगा, और एक वो भी एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट दो तरफों से आएगा, ऑफरर एक है मुहिल, ठीक है, एक ही मजलिस के अंदर मुहिल भी होगा, मुहाल लहू भी बैठा होगा और मुहाल अलह भी बैठा होगा। ये तीनों के तीनों एक ही मजलिस के अंदर, ए बी और सी, ये तीनों मुहाल लहू, मुहिल और मुहाल अलह, ये तीनों के तीनों बैठे होंगे। अब ऑफर कौन देगा, मुहिल। मुहिल करेगा कि भाई मैं ऑफर करता हूं कि आपका कर्जा जो है अब मैं अदा नहीं करूंगा। कौन अदा करेगा, सी अदा करेगा। और सी की आपस में पहले बातचीत हो चुकी हुई है, अब वहां पर एक्सेप्ट कौन, कबूल कौन करेंगे, ए भी कबूल करेगा मजलिस अक्द में और सी भी कबूल करेगा, तो अक्द मुनकिद हो जाएगा हवाला का। तो इसका मतलब है कि तीनों की रजामंदी जरूरी है। एंड अब एंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द ट्रांसफरर एंड द पेयर इन ए मैनर that clearly indicates the intention of the parties to conclude a hawala contract, taaki wazi ho jaye ki ye waqi hawala ka aqd kya kar rahe hain, munaqid kar rahe hain, and the transfer of the liability or obligation in respect of a debt from one party to another party. to hoga kya ki jo debt, jo zimmedari hai liability ki ya freeze ki, wo kya ho jayegi, वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी की तरफ मुंतकिल हो जाएगी। यानी अगर हम इस चार्ट की तरफ देखें तो बी से वो जिम्मेदारी मुंतकिल होकर किसको चली जाएगी, सी को चली जाएगी, अब सी अदायगी कर देगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द वर्ड ट्रांसफर बी यूज्ड, ये जरूरी नहीं है कि वो अक्द करते वक्त हवाला का लफ्ज भी इस्तेमाल करें। मुमकिन है कि वो हवाला का लफ्ज इस्तेमाल ना करें और वो ये कहें कि जब ये तुम्हारे पैसे ये दे देगा, ये अल्फाज इस्तेमाल कर दें। अहनाफ के नजदीक कायदा क्या है, अल इबरातु फिल उकूद लिल मकासिद वल मानी ला लिल अल्फाज वल मबानी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर एतबार अल्फाज का नहीं किया जाता, मकसद ऑब्जेक्टिव्स और मीनिंग्स का किया जाता है। तो यहाँ वही कायदा इफेक्टिव है और कायदा जो है उस अक्द क्या हो जाएगा, मुनक्किद हो जाएगा। हवाला इज ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, हवाला एक अक्द लाजिम है। अक्द लाजिम और गैर लाजिम में फर्क यह है कि अक्द लाजिम जब अक्द लाजिम वो होता है कि जब अक्द हो जाए तो कोई एक फरीक यकतरफा तौर पर उस अक्द को कैंसिल नहीं कर सकता। हम कहते हैं कि नो पार्टी कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट यूनिलैटरली, कोई भी पार्टी अकेले तौर पर उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकती। यानी मुहाल लहू हवाला कबूल करने के बाद मुहाल लहू ये नहीं कह सकता नहीं जी मैं उसे नहीं लेने, मुहाल अलह नहीं कह सकता नहीं जी मैंने नहीं देने, अभी हो गया है अब आपका देना लाजमी है। Therefore it is not subject to unilateral termination, इस वजह से वो कहते हैं कि भाई ये unilateral termination को का मामला नहीं हो सकता। It is a requirement that a transfer of debt take effect immediately, transfer intakale dain usi waqt ho jayega,
अदायगी की बात नहीं कर रहा, याद रखें इसे लफ्ज आप नॉर्मली स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। इसका मतलब ये बन रहा है कि जैसे ही हवाला कबूल करेंगे तो जो मिस्टर सी है उसके ऊपर उसी वक्त पैसे देने लाजिम आ जाएंगे। नहीं, वो कह रहा है कि इंतकाल देन उसी वक्त हो जाएगा, जैसे ही ये दोनों कबूल करेंगे उसी वक्त लायबिलिटी ट्रांसफर हो जाएगी किसकी तरफ, सी की तरफ, मुंतकिल हो जाएगी। ये वो बात कर रहा है, अदायगी की बात अभी भी नहीं हो रही। Not to be suspended for a period of time. ये नहीं हो सकता जी, चार घंटे तक तो liabilities पर मुंतकिल नहीं होगी, चार घंटे के बाद होगी, ये नहीं हो सकता। उसी वक्त जैसे वो कबूल करेंगे, and not to be concluded on a temporary basis. और ये भी नहीं हो सकता जी सिर्फ चार घंटे के लिए, ठीक है, नहीं, जब हवाला हो गया तो हो गया। और contingent on a future events, अगर बारिश हो गई तो अदायगी ये करेगा, ये नहीं हो सकता फ्यूचर इवेंट के ऊपर। अगर फुलाना आया तो, अगर फुलाना प्राइम मिनिस्टर बना तो, यानी कि किसी भी फ्यूचर के इवेंट के ऊपर उसको मुनहसर भी कंडीशन नहीं बनाया जा सकता। हाउएवर इट इज परमिसिबल टू डेफर पेमेंट ऑफ द ट्रांसफर डेट अंटिल अ फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट। हाँ, ये हो सकता है। अब यहां पर उन्होंने वो शायबा भी खत्म कर दिया, वो कहते हैं कि अभी इंतकाल देन तो उसी वक्त हो जाएगा, अभी देने कब है। वो कहते हैं कि ये हो सकता है कि वो कह दे मिस्टर सी, मिसाल के तौर पर अब हवाला हुआ, बी ने कहा कि जी सी देगा, सी ने कबूल कर लिया, ए ने कबूल कर लिया, अब ए पूछता है सी से अभी कब दोगे, वो कह सकता है मुझे चार दिन दे दे, फुलानी तारीख को आपको दे दूंगा। ए अगर राजी हो जाता है तो अब वो फुलानी तारीख को अदायगी करेगा। तो ये वो बात कर रहा है कि जनाब However, it is permissible to defer payment of the transferred debt until a future specified date. वो एक future specified date की तरफ इसको फेर सकता है।